अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें हमने पूरी एग्जांपल्स के साथ जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको पूरा डिटेल में बताया है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी हो सके और उसको आप अपनी ग्रामर को बेहतर बना सकें इस वीडियो को देख के। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितनी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? आठ होती है, सात थोड़ी होती है। देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन सी होती हैं? हाँ हाँ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव। ओके, अब इसमें जो नाउन है ना वो क्या चीज़ है? ठीक है, नाउन बेसिकली हमारे पास नेमिंग वर्ड भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसका क्या है हमारे पास? दे स्टैंड फॉर नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगी हमारे पास? जैसे तुम्हारा अहमद लिव इन लंदन। ठीक है, या और क्या हो सकता है? और कोई बता दो। हिंट हैज टू काउज। ठीक है, या ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक। ठीक है, तो दीज आर द नाउन। नाउन तो बहुत ही आसान है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हम लोग। ठीक है, ठीक है, नाउन के बाद हमारे पास जो चीज़ के बाद हम पढ़ रहे हैं वर्ब को। नाउन के बाद हम पढ़ रहे हैं वर्ब को। अब वर्ब क्या चीज है? कोई जो काम वर्ब को इंग्लिश उर्दू में क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। फेल फाइल। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग सेइंग वर्ड। ठीक है, जो कर रहे काम। हाँ, दे आर यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन। ठीक है, और थिंग। और वर्ब का कंसर्न किसे होता है? वर्ब इज कंसर्न डायरेक्शंस। नहीं, विद डूइंग, डूइंग डूइंग बताया ना। एक्शन। हाँ, कोई एक्शन हो। कंसर्न विद डूइंग और बीइंग। ठीक है,
कोई सेंटेंस बना दो। They are playing outside. They are playing outside. क्या हो सकता है पहला सेंटेंस बताओ। आईएनजी फॉर्म के अलावा भी हो सकता है, जैसे वी पुल हॉल पुश एंड लिफ्ट। एक्शन हो गया ड्राइव। दूसरा बताओ एक और। वी कैन प्रिंट प्लग वेव हीट एंड लाइट। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल। सही है। इसके बाद बारी आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसको कहते हैं उर्दू में? सिफ्ट को कहते हैं, जो कि कोई खासियत होती है, कोई इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो कोई भी क्वालिटी को हम जाहिर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, डेफिनेशन अगर जाएं तो हम लिख सकते हैं दे आर ब्राउन सॉरी दे आर जॉइंड टू नाउन टू डिस्क्राइब देम। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अ हंग्री वुल्फ। ठीक है, अ ब्राउन वुल्फ, कोई खास चीज हमने बताया। ठीक है, समझ में आ गई बात। एंग्री वुल्फ कोई भी हो सकता है। तो इसकी एक एक्सरसाइज है हमारे पास, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेफिनेशंस कर लें, फिर तुम एक्सरसाइज बुक से खुद ही कर लेना। ठीक है, इसके बाद चौथी चीज है हमारे पास एडवर्ब। इसके अंदर एडवर्ब में हमारे पास क्या होता है, ये होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट आर एडेड टू वर्ब। इसके ऊपर होता है ना जो हाँ, कर रहा हो। हाँ, यानी मेनली जो हमारे पास, जैसे ब्रेव है तो ब्रेवली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हेल्प। तो एडजेक्टिव के तीन फॉर्म होते हैं। हाँ, एडजेक्टिव फॉर्म तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव और डिग्रीज होते हैं, डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है। ठीक है, इसकी हम आपके पास अगर एग्जांपल एक दो लिखवा दो तो मैं याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल स्लोली अगर लिख लें हम। ठीक है, सैडली। ठीक है, केयरफुली क्वाइटली ग्रेसफुली। ठीक है, तो इसकी भी एक्सरसाइज मेरे पास मौजूद है, ये आप बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एडवर्ब के बाद बारी आती है प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन तो बहुत ही आसान है, विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन होता है ना, जो नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो है हम यूज करते हैं। हमें हर वक्त नाम हाँ, जैसे आप ये कि हम अली है तो उसको हम ही कह सकते हैं, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, जैसे हाँ सारा है तो शी कह सकते हैं। ठीक है, एंड अली फिर अली फिर हाँ, तो सिंगुलर जो होते हैं हमारे पास प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे पास, आई होता है, ही होता है, शी होता है, ठीक है, इट होता है, मी होता है, हिम होता है, हर होता है। ठीक है, और प्लूरल कितने होते हैं, वी होता है,
दे होता है, आर होता है, अस होता है और देम होता है। अस बी का अस होता है ना, ठीक है। इसकी भी एक्सरसाइज है, वो आप घर से करेंगे। और सिक्स वाला जो है वो है हमारे पास प्रीपोजिशन, जिसको हम उर्फे जर भी कहते हैं, उर्फे जार, ठीक है, उर्फे जार कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, टू शो हाउ द पर्सन और थिंग यूनाइटेड देयर रिलेशन, डिस्क्राइब करते रिलेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बेसिकली कोई ऐसा रूल नहीं होता है, ये तो हम सेंटेंस को देखते हुए उसका रिलेशन देखते हुए, कि जैसे बुक अगर टेबल के ऊपर रखी है तो ऑन हो जाएगा, अगर बुक नीचे की तरफ रखी है तो अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सेंटेंस को देखते हुए यूज़ करते हैं, ऑन अबव अंडर, ठीक है। तो ये भी इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई भी पहले से, उसको देख लेना। और ये हाँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन तो बहुत ही आसान है हमारे पास, इसको उर्दू में कहते हैं रूफे ताफ, ताफ, ठीक है। इसको कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स पता है ना तुम्हें क्या होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, और हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को जो ज्वाइन करे उसको कंजंक्शन कहते हैं। एंड और बट, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन तो बहुत ही आसान है, जिसमें हमारी कोई फीलिंग आ जाती है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन पे जाए तो हम लिख सकते हैं वर्ड, हाँ, वर्ड नॉट कनेक्टेड विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये अलग ही होता है। जैसे हुर्रा हो गया, या अलास हो गया, सौरो हो गया, ठीक है, हाँ, कोई भी फीलिंग्स होती है ना हमारे पास, या कोई फीलिंग्स होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। एट लास्ट, एट लास्ट नहीं, यानी अलास्ट कहते हैं ना, बहुत दुख में कहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास किस में आ जाती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास अलास्ट हो गया, ठीक है, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया भी जाता है इसके बाद, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो फौरन पहचान लेते हैं कि हम ये इंटरजेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच का हो गया, इसकी एक्सरसाइजेज जो है वो मैंने तुम्हें दी हुई है, इसको कर लेना, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक्सरसाइज आ जाएंगी सारी, ठीक है।